हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले जितने भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बैक टू द मूवी। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही बढ़िया मूवी पे काम कर रहा हूँ और अब आपके लिए मैं वो मूवी लेकर आया हूँ। तो इस मूवी का नाम है द पोकिप्सी टेप्स, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और ये एक मॉक्यूमेंट्री हॉरर जॉनरे की मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जॉन एरिक डॉडल ने। पर इसकी खास बात यह है कि ये मूवी फाउंड फुटेज डॉक्यूमेंट्री टाइप की होकर भी हर हॉरर जॉनरे का मिक्सचर है। हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, स्लैशर सब कुछ है इसके अंदर। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वर्ल्ड की मोस्ट डिस्टर्बिंग मूवीज में से एक है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है इस मूवी को मेरे हिसाब से लाइट रखने की, पर अगर आपको डिस्टर्बिंग सीन से डर लगता है तो कृपया कमजोर दिल वाले इस मूवी को न देखें। अब बैक टू द स्कोर्स। IMDB पे इसे मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पे यह है 60% फ्रेश विथ 50% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है शेरिल डेम्सी नामक एक लड़की की फ्यूनरल को दिखाते हुए और फिर हमें उसका एक पुराना टेप दिखाया जाता है जिसके अंदर वो बहुत खुश थी। फिर एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि शेरिल डेम्सी की स्टोरी और वो क्या बन गई, ये सच में बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग चीजों में से एक है। मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ पर ऐसा कुछ मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फिर हम एक डिस्टर्बिंग फुटेज देखते हैं जिसमें कोई अननोन पर्सन शमशान घाट में किसी की कब्र खोदता है एंड कॉफिन तोड़ के उसके अंदर पड़ी बॉडी को रस्सी बांधता है और कार में बैठकर कार को स्टार्ट करता है। और हम देखते हैं कि वो रस्सी उसके गाड़ी के बैक साइड से बंधी हुई थी। वो पर्सन फुल स्पीड पे गाड़ी भगाकर सीधा कब्र में से उस लाश को खींचता है और घसीटते हुए ले जाता है। फिर सीन एक घर और उसकी ओनर पर शिफ्ट होती है और वो बताती है कि ये वही घर है जहाँ पुलिस को द पोकिप्सी टेप्स मिले। फिर हम देखते हैं कि जब पुलिस उस घर पे रेड मारती है तो वहाँ उन्हें एक साइको आदमी के सीरियसली डिस्टर्बिंग और गंदे क्राइम्स का रिकॉर्ड मिलता है। इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ 800 के करीब टेप्स मिलते हैं जो कि किलर के द्वारा शूट किए गए थे, जिसमें उसके सारे मर्डर्स का विजुअल रिकॉर्ड था, वो भी उनके भयानक डिटेल्स में। दोनों स्टेट और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट टीम्स उन भयानक वीडियोस को छानना शुरू करते हैं कि जिससे उन्हें कोई भी क्लू मिल सके किलर या उसके विक्टिम्स की पहचान करने के लिए। बार बार उन टेप्स को देखने से उन्हें किलर के बारे में खतरनाक फैक्ट्स पता चलते हैं और साथ ही ये भी कि उनके दिमाग पर इसका बुरा असर हो रहा है। किलर ने सिर्फ अपने किए हुए मर्डर से रिकॉर्ड नहीं किए थे बल्कि ये भी कि वो कैसे पहले लोगों को बातों में फंसाता है, फिर कैसे उनका अपहरण करके भयानक तरीके से उनका पोस्टमार्टम करता है, ये भी रिकॉर्ड किया था। और जब तक वो खुद को पूरी तरह कवर नहीं कर लेता या मास्क नहीं पहनता वो, तब तक खुद वीडियो के अंदर नहीं आता है। अब किलर ने अपने सारे टेप्स पर ऑर्डर नंबर लिखे थे जिससे इन्वेस्टिगेटर्स ये निर्धारित करते हैं कि किलर ने सबसे पहले एक कमजोर विक्टिम से इन सब की शुरुआत की। और फिर हमें उसके पहले क्राइम का फुटेज दिखाया जाता है जिसमें एक 8 साल की जेनिफर नाम की लड़की अपने घर के पास खेल रही होती है। ये किलर पहले जेनिफर के पास जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और फिर वो उसके सर पर किसी वजनदार चीज से वार करता है और उसे किडनैप करके अपनी कार में वहां से भाग जाता है। पुलिस बताती है कि जेनिफर के किडनैपिंग के कुछ दिन बाद उन्हें जंगलों में जेनिफर की लाश मिली। उस किलर ने जेनिफर का रेप करके उसे बुरी तरह मार डाला। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि अपनी पहली सक्सेसफुल किडनैपिंग और मर्डर के बाद वो बड़ी ध्यान से अपनी लोकेशन चुनने लगा कि वो अपना अगला शिकार कहाँ करेगा। और फिर हमें उस किलर के सेकंड क्राइम का फुटेज दिखाया जाता है जिसमें वो एक कपल एंडरसन से गाड़ी खराब हो जाने का बहाना करके उनसे लिफ्ट लेता है और उन्हें ये झूठ कहकर रिकॉर्ड करता है कि वो खुद की जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर वो उन लोगों को भी रिकॉर्ड कर लेगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब उस बेचारे कपल का नेचर बहुत ही अच्छा रहता है तो इसलिए वो लोग उसे मना नहीं करते। फिर रास्ते के दौरान किलर उस आदमी के सर पर किसी रॉड से वार करता है और फिर एक हाथ से उसकी बीवी के चेहरे पे क्लोरोफॉर्म रखता है और दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ के उसे रिकॉर्ड करता है। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि एक हाथ से उस औरत का चेहरा पकड़ना और दूसरे से उसे रिकॉर्ड करना, ऐसा करने के लिए किलर ने इसी मोशन को बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा। फिर हम आगे का फुटेज देखते हैं जिसमें वो किलर उस औरत को होश में आने के लिए बोलता है। जब वो औरत होश में आती है तो वो कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। वो औरत अपने पेट की तरफ देखती है और कैमरा नीचे होता है और हम देखते हैं कि उस किलर ने उसके ही पति की मुंडी काट के उसके ही बीवी के पेट में डाली हुई थी और उसने उस औरत का पेट सिलने से पहले इसलिए उसे होश में लाया ताकि वो उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। और ये सच में बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है यार। सोचो कौन किसी का सर किसी और के पेट में डालता है। ये फुटेज देखकर पुलिस रियलाइज करती है कि किलर तब तक विक्टिम्स की चीरफाड़ कर सकता है जब तक उसके मन को खुशी न मिले। फिर हम एक गैस स्टेशन का CCTV फुटेज देखते हैं जिसमें उस किलर ने एंडरसन को किडनैप करके मारने से पहले साइन लैंग्वेज से क्लूज छोड़े थे कि वो उनमें से किसी एक की बॉडी को कहाँ डिस्पोज करेगा। इस फुटेज पर पुलिस कहती है कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किलर कितना होशियार और खतरनाक है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है और हमें उसकी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें किलर एक सर्कुलर सॉ से उस लड़की की मुंडी और हाथ काटता है।
एक FBI एजेंट बताती है कि उन्हें उस लड़की का धड़ एक दूसरे शहर में मिला और उसका सर और हाथ किसी और शहर में। फिर हमें किलर की चौथी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें किलर अपने नेक्स्ट विक्टिम और टीनेज गर्ल शेरिल डेम्सी को स्टॉक कर रहा था। फिर एक दिन शेरिल जब अपने बॉयफ्रेंड टीम के साथ घर में अकेली थी तो इस चीज का फायदा उठाकर किलर छुपके से उनके घर में घुस जाता है और उनके किचन से एक बड़ा चाकू लेकर शेरिल के रूम में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि शेरिल नहा रही थी। वो अपना कैमरा ऐसी जगह रखता है जहाँ उसे कोई देख न सके एंड फिर खुद क्लोजेट में जाके छुप जाता है ताकि वक्त आने पर वो हमला कर सके। बाद में जब शेरिल बाथरूम जाती है तो वो टीम को जान से मार देता है और उसकी लाश को वहीं छोड़ के शेरिल को किडनैप करके लेके जाता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब अगले दिन वो लोग शेरिल के घर में गए तो किचन में उन्हें टीम की लाश मिली जो कि उसके एनस से लेके उसके गले तक चीरी हुई थी और किलर ने उसके इंटेस्टाइन्स निकालकर किचन में ऐसे लटकाए थे जैसे क्रिसमस लाइट्स हो। फिर जब वो लोग शेरिल का रूम चेक कर रहे थे तो उसके ड्रॉवर में उन्हें टीम के जेनिटल्स मिले। छी, ये सुनने में ही कितना घिनौना लगता है। एंड आप डिक्शनरी में सर्च करोगे कि जेनिटल्स का मीनिंग क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। खैर, ऑफिसर कहता है कि ये देखकर साफ पता चलता है कि किलर अपना पूरा दिमागी संतुलन खो चुका है और वो बहुत ही बुरी तरह दिमागी तौर से बीमार है। इसके बाद हम किलर की दूसरी फुटेज देखते हैं जिसमें किलर शेरिल को जान से मारने की बजाय उसे अपने बेसमेंट में कैद करके रखता है जहाँ वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से सेक्सुअली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली अब्यूज करता है और फिर वो उसे बुरी तरह पीटते हुए उसका नाम पूछता है। जब शेरिल अपना नाम बताती है तो वो किलर उसे और मारता है और कहता है कि तुम्हारा नाम शेरिल नहीं स्लेव है जिसका हिंदी में मतलब गुलाम होता है। फिर वो किलर उसे तब तक मारता है जब तक वो खुद को स्लेव नहीं कहती। उसके बाद दूसरे फुटेज में किलर शेरिल को कहता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला है, अब बोलो कि तुम खुश हो। शेरिल जब ये कहने से मना करती है तो किलर उसका मुंह पकड़ के बार बार पानी में डालने लगता है और एंड में हार मानकर शेरिल रोते हुए बोलती है कि वो खुश है कि उसने उसके माता पिता को मार दिया। फिर वो पागल खुद ही पूछता है कि तुम खुश क्यों हो। शेरिल कहती है क्योंकि मैं उनसे नफरत करती थी। फिर वो साइको पूछता है कि तुम किसे पसंद करती हो। शेरिल कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर साइको पूछता है कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो। शेरिल कहती है क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो और मुझे तुम्हारी सेवा करना पसंद है। एंड फिर वो पागल पागलों की तरह कहता है कि तुम चाहती हो मैं उन लोगों को मारूं। एंड बेचारी शेरिल हाँ कहती है। और सच में यहाँ हम शेरिल का डर देख सकते हैं कि उस किलर ने उसे कितना डरा के रखा है। इसके बाद शेरिल की माँ टेलीविजन पर शेरिल के किडनैपर से अपील करती है कि वो उसे छोड़ दे और आप सोच भी नहीं सकते कि ये देखकर वो किलर क्या करता है। वो शेरिल के माँ के पास जाता है और उन्हें और उनके रिएक्शन को फिल्म करते हुए कहता है कि अगर उन्हें शेरिल को ढूंढने में उसकी कोई भी मदद चाहिए तो वो जरूर करेगा। शेरिल की माँ समझ जाती है कि ये वही किडनैपर है जिसने उसके बेटी को किडनैप किया है पर उसे देखकर उन्हें इतना बुरा शॉक लगता है जिसके कारण वो वही हैंग हो जाती है और वो साइको हंसते हुए वहां से भाग जाता है। अब आप सोचो कि ये कितना बड़ा वाला कमीना है। इसके बाद एक और फुटेज आता है जिसमें किलर शेरिल को मेडिवल टाइम की ड्रेस और अजीब सा रबर मास्क पहनने कहता है और वो पहनने के बाद शेरिल एक ही चीज बार बार बोलती है कि तुम मेरे मास्टर हो और मुझे तुम्हारी सेवा करना पसंद है। अब बहुत से खून एक ही तरीके से करने के बाद किलर अपने काम करने का तरीका चेंज कर देता है और प्रोस्टिट्यूट्स को टारगेट बनाना शुरू करता है, वो भी एज अ नकली पुलिस ऑफिसर, और वो हर प्रोस्टिट्यूट का चेहरा मुंह से लेकर कान तक चीर देता है। अगली फुटेज में हम देखते हैं कि ज्यादातर केसेस में वो विक्टिम को जल्दी नहीं मारता बल्कि जबरदस्ती शेरिल को उनका खून करने कहता है। अब जिस बुरी तरीके से वो लोगों को मार के उनकी चीरफाड़ करता था और जिस लोकेशन पर उनकी बॉडीज फेंकता था, इसलिए प्रेस उस किलर को द वाटर स्ट्रीट बुचर के नाम से बुलाना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेटर्स डिस्कवर है कि बहुत सी बॉडीज पर सेम सीमन है तो इस पर पुलिस द फेमस सीरियल किलर टेड बंडी की एडवाइस लेती है जिससे उन्हें पता चलता है कि किलर विक्टिम्स की डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता है और उन्हें ऐसी जगहें ढूंढनी चाहिए जहां फ्रेश डेड बॉडीज को दफनाया गया हो ताकि अगर किलर वहां आए तो पुलिस उसे पकड़ सके। पर पुलिस को कभी कोई फ्रेश डेड बॉडी मिली ही नहीं। फिर एक फुटेज रोल होता है जिसमें दो छोटी लड़कियां किलर के घर आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये कमीना 24 घंटे कैमरा लेके घूमता रहता है। खैर, वो लड़कियां कहती कि वो कुकीज बेचने आई है तो क्या वो खरीदना चाहेगा। वो उन्हें ये झूठ बोलकर अंदर बुलाता है कि वो एक पुलिस वाला है और उन्हें बैठने कहता है और उनसे सवाल पूछने लगता है कि वो दोनों कहाँ रहती है और क्या उन्होंने यहाँ आने से पहले अपने माता पिता को बताया है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो लड़कियां हाँ कहती है। तभी उन्हें बेसमेंट में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो किलर झूठ बोलता है कि वो बेसमेंट में टीवी ऑन छोड़ के आ गया है। विक्टिम के चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगती है जिसके कारण वो किलर इन दोनों लड़कियों को बहाना बनाकर उसके घर से जाने के लिए कहता है। सोचो ये लड़कियां कितनी खुशकिस्मत थी। उनके जाने के बाद वो एक टेबल पे से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि उस कपड़े के नीचे एक ग्लास का केस था जिसमें उसने शेरिल को बंद करके रखा था। वो गुस्से में शेरिल से कहता है कि तुम्हें उस पर दया आई होगी इसीलिए तुमने उसे अच्छे से नहीं बांधा।
पर डरी हुई शेरिल कहती है कि उसने अच्छे से बांधा था और वो किलर शेरिल के मुंह के सामने ऑन कैमरा छोड़ के बेसमेंट में उस विक्टिम को मारने चला जाता है। इसके बाद एक विक्टिम का अपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करते वक्त पुलिस को वहां एक ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स और सलाइवा मिलते हैं जो कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जेम्स फोली से मैच करते थे, जिसके कारण पुलिस जेम्स फोली को अरेस्ट कर लेती है। और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को पता चलता है कि इन प्रोस्टिट्यूट्स के अपहरण के वक्त जेम्स फोली भी इसी शहर में था और जेम्स डेली प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाया करता था और वो उनका रेगुलर कस्टमर था। इसके बाद भी पुलिस को जेम्स के कार से ढेर सारे सबूत, आई विटनेसेस और मैचिंग सीमन सैंपल्स मिलते हैं, जिसके कारण उसे वाटर स्ट्रीट बूचर करार दिया जाता है। जेम्स पुलिस से बार बार कहता है कि वो बेगुनाह है, पर उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और एक लीथल इंजेक्शन से उसे मार दिया जाता है। जेम्स होली के मरने के कुछ दिन बाद ही इस केस के लीडिंग इन्वेस्टिगेटर्स में से एक ऑफिसर को उसके मेल बॉक्स में एक मैप मिलता है जिस पर लिखा था कि वो लोग चूक गए और उस मैप पर अगले डेड बॉडी की लोकेशन मार्क की हुई थी। छानबीन करने पर पता चलता है कि असली खूनी ने फर्टिलिटी क्लिनिक से जेम्स होली के सीमन सैंपल चुराए और बड़ी ही होशियारी से जेम्स होली को फंसा कर अपना अगला विक्टिम बना लिया। 12 सितंबर को जेम्स फॉली के ऊपर से सारे मर्डर्स के इल्जाम हटा दिए जाते हैं, पर 9/11 के अटैक्स के कारण जनरल पब्लिक को इस न्यूज के बारे में पता ही नहीं चलता। इसके बाद एक फुटेज रोल होता है जिसमें किलर एक औरत को जिसकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी उसे नकली पुलिस ऑफिसर बन के लिफ्ट देता है और जब वो लेडी नोटिस करती है कि वो उसे किसी और जगह लेके जा रहा है तो वो उसे बार बार कहती है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, पर किलर कहता है कि तुम्हें ऐसे अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। वो लेडी उससे पूछती कि कौन हो तुम, वो बताता है कि वो वाटर स्ट्रीट बुचर है और ये सुनकर वो लेडी उससे जान की भीख मांगने लगती है, जिस पर किलर उससे कहता है कि मैं तुमसे एक डील करता हूँ, पहले मैं तुम्हारा रेप करूंगा और अगर तुम अच्छी लड़की की तरह बर्ताव करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर के मारे वो औरत कहती है हाँ ठीक है, तो किलर कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, भला तुम मुझे क्यों अपना रेप करने दोगी और क्या मैं तुम्हें इतना पागल दिखता हूँ, और सच कहूँ तो जो चीजें मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ये तुम भी जानती हो कि उसके बाद हम दोनों यही चाहेंगे कि तुम मर जाओ। फिर दूसरी फुटेज रोल होती है जिसमें किलर ने उस औरत को अपने बेसमेंट में बांध के रखा था, फिर वो किसी क्रीचर की तरह चलते हुए उसके पास आता है और उसके गले में दो बड़ी सी सुई घुसाकर उसे जान से मार देता है। इन्वेस्टिगेटर्स किलर्स के भेजे हुए मैप के बैकग्राउंड रिकॉर्ड से उसके घर की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और वहां रेड मारते हैं। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें घर इतना साफ सुथरा मिलता है कि किलर की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई फिंगरप्रिंट्स या क्लूज नहीं मिलते। और ये वही स्टार्टिंग का सीन था जब FBI को इस घर में टेप्स मिले थे और अब हमें उसके बाद की स्टोरी बताई जाती है। टेप्स के साथ उन्हें घर के बैकयार्ड में इस घर के असली किराएदार के साथ ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती है और घर के एक रूम में उन्हें एक बड़ा सा वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें 8 साल से लापता शेरिल की बॉडी थी और वो अब भी जिंदा थी। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे वो बताते हैं कि उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में किसी पर्सन को इतना बुरे टॉर्चर से गुजरते हुए नहीं देखा। डॉक्टर्स बताते हैं कि शेरिल को जलाया गया, उसकी स्किन पर ब्लेड से कट्स मारे गए हैं, फिर पकड़ या हथौड़े से उसके 5 दांत निकाले गए हैं, फिर उसे सेक्सुअली टॉर्चर किया गया है, उसकी हड्डियों को इस तरह तोड़ा गया है कि वो फिर से कभी ठीक नहीं हो सकती, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती। फिर एक दूसरी साइकोलॉजिस्ट बताती है कि जब शेरिल हॉस्पिटल में थी तो उसके जख्म ठीक होने के बजाय बढ़ते जा रहे थे, तभी उन्होंने रियलाइज किया कि जिस भयानक दर्द से वो इतने सालों तक गुजरी है उसके कारण वो भूल चुकी है कि बिना दर्द के कैसे जिया जाता है। उस किलर ने उसे इस हद तक टॉर्चर किया था कि जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तो वो अकेले में खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसके बाद शेरिल का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो कहती है कि उसके मास्टर उससे बहुत प्यार करते थे और वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और उसे यकीन है कि वो एक दिन वापस आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। फिर हमें बताया जाता है कि इस इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद शेरिल ने खुद अपनी जान ले ली और मरने से पहले उसने एक नोट में लिखा कि वो उसके मास्टर से बहुत प्यार करती है और मरने के बाद भी वो उसी की रहेगी। अब आप सोच सकते हो कि शेरिल के दिमाग पर उस टॉर्चर का कितना बुरा और गहरा असर हुआ होगा। और इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है कि शेरिल के फ्यूनरल के 1 हफ्ते बाद कोई शमशान घाट से शेरिल की बॉडी को निकाल कर ले गया है और पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि ये वाटर स्ट्रीट बुचर का ही काम है। पुलिस को शेरिल के टूटे हुए कॉफिन पर एक टेप मिलता है और ये वही टेप था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें किलर शेरिल की बॉडी को रस्सी बांधकर अपने कार से घसीटते हुए लेकर जा रहा था। फिर पुलिस बताती है कि जब उन्हें टेप्स मिले तो उनमें से 27 टेप्स मिसिंग थे और हम देखते हैं कि जो भी लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी सीख रहे थे इन टेप्स को उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा रहा था। और एंड में बताया जाता है कि बहुत से ऑफिसर अभी तक उस किलर की आइडेंटिटी के बारे में इतनी सी भी डिटेल पता नहीं लगा पाए हैं कि असली वाटर स्ट्रीट बुचर कौन है। पुलिस उसे अब भी ढूंढ रही है और जब तक वो नहीं मिलेगा वो इस केस को ओपन ही रखेंगे और हर उस जगह बारीक नजर रखेंगे जहां पर उसकी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उस किलर का ईगो उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री देखने से रोक नहीं पाएगा और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। आफ्टर क्रेडिट्स के बाद हम एक फुटेज देखते हैं जिसमें उस किलर ने किसी औरत को बांध के रखा था। वो उस लेडी से कहता है कि हम एक डील करते हैं, अगर तुमने अपनी पलकें नहीं झपकाई तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने दूंगा।
बहुत देर तक होल्ड करने के बाद जैसे ही उस औरत की पलकें झपकती है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सच में इस मूवी में उस किलर का रोल प्ले कर रहे एक्टर ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखने के बाद, और इसी के कारण ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड ना होकर भी रियल स्टोरी का फील देती है। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी एक साइको किलर पर बेस्ड है जिसने 1980 से लेकर 1990 तक पूरे न्यूयॉर्क सिटी को टेररराइज किया था और भयानक तरीके से अपने विक्टिम्स को मारकर अपने प्लेजर के लिए उन्हें रिकॉर्ड करता था। पर मूवी में उस साइको किलर की बैक स्टोरी नहीं बताई गई, पर एक पुलिस ऑफिसर ये अंदाजा लगाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो कहता है कि उसके लाइफ के एक पॉइंट पर उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई होगी, या तो उसकी जॉब चली गई होगी, या तो उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया होगा, या फिर कोई और कारण। तो वो अपने घर से कार में निकला होगा और सोचा होगा कि जो भी अगला कमजोर इंसान उसे दिखेगा वो उसे मार देगा। और उसकी फुटेजेस को देखकर हमें साफ पता चलता है कि वो सिर्फ कमजोर लोगों का ही शिकार करता है। इसके बाद उसे अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करने के लिए जगह चाहिए थी, और मूवी में वो जिस घर में रह रहा था वहां रहने से पहले उसने उसके रियल किराएदार को मार दिया और उसकी जगह खुद रहने लग गया। और घर की ओनर को शक ना हो इसलिए उसे घर का किराया भी भेज दिया करता था, क्योंकि मूवी के एंड में हमें बताया गया है कि घर के बैकयार्ड में बाकी डेड बॉडीज के साथ घर के असली किराएदार की भी बॉडी उन्हें मिली थी, और उस घर के असली किराएदार को मारकर वो किलर 10 साल तक उस घर के अंदर रहा और घर की ओनर को कोई शक भी नहीं हुआ। वाह, पागल कहीं की। और यहाँ हमारे इंडिया में तो घर के ओनर हर 2 महीने में घर को चेक करने आते कि घर की हालत क्या की है, घर को साफ सुथरा रखा है या नहीं, और वहाँ के लोग देखो। तो दोस्तों इसी के ऊपर थी मेरी ये थ्योरी और बाकी की स्टोरी आपको पता है। एंड इसी के साथ ये था मेरा द पॉकीप्सी टेप्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज प्लस डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो कल्ट मेंबर्स, आज मूवी से रिलेटेड मेरे 2 सवाल है। पहला, FBI को उस किलर के घर के बैकयार्ड में कितनी डेड बॉडीज मिली, और दूसरा, पुलिस को मूवी के एंड में टोटल कितने टेप्स मिले। अब सवाल 2 है तो इसलिए इनाम भी बड़ा होगा। जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा उसके नाम और कमेंट को मैं मेरी अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, क्योंकि मैं मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट वहां डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए Stay with the cult.